भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब आप 120 दिन की जगह 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकेंगे। रेल मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा घटा दी गई है। इससे लोगों को एडवांस में टिकट बुक करने के लिए अब कम समय मिलेगा। अब किन ट्रेनों पर नया नियम लागू होगा और किन पर नहीं, विदेशी पर्यटकों को छूट दी गई है या नहीं, इसके अलावा पहले से बुक किए गए टिकट पर क्या असर पड़ेगा, और तो और खाने की क्वालिटी को लेकर क्या कहा रेलवे ने, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। रेलवे ने टिकट आरक्षण यानी जो टिकट रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब रेल टिकटों की बुकिंग सिर्फ 60 दिन पहले हो सकेगी। पहले जो है ये बुकिंग 120 दिन पहले की होती थी। नया नियम जो है 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। 31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण यानी जो रिजर्वेशन हो चुका है 31 अक्टूबर तक, उस पर ये नया नियम लागू नहीं होगा, यानी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि रेलवे ने इस कदम के पीछे का जो तर्क है वो कुछ भी नहीं बताया। अब किन पर ये नया नियम लागू नहीं होगा ये जानिए। रेलवे ने बताया कि ताज जैसे कुछ दिन के समय चलने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताज हो गया, एक्सप्रेस हो गया, गोमती एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेनों हैं, इनमें एडवांस रिजर्वेशन के लिए समय सीमा ऑलरेडी बहुत कम होती है। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों यानी जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनके लिए 365 दिन यानी एक साल की जो सीमा है उस मामले में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि जिनका टिकट पहले से कटा हुआ है उनका क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, टिकट बुकिंग से जुड़ा जो नया नियम है वो 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। पहले बुक किए गए टिकट पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। आपको बता दें, 1 नवंबर को दिवाली और 6 नवंबर को छठ पूजा के चलते रेलवे के सभी रूट पर टिकट बुकिंग को लेकर मारामारी मची हुई। रेलवे यात्रियों की तरफ से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव को लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी। यात्रियों की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि बुकिंग शुरू होने के साथ ही एजेंट पहले ही सीट जो है बुक कर देते हैं। इससे असल यात्रियों को टिकट मिलने में काफी परेशानी होती। अब आते हैं खाने पर। भारतीय रेलवे अपने सिस्टम और प्रोसेस में रेलवे ने पहले ही लिनन और खाने की क्वालिटी की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो कैमरे हैं वो लगाए। रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी की जांच के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल की पुष्टि की। इसे ये पता लगाया जा सकता है कि ट्रेन में कितनी सीटें खाली। बता दें, 1 अप्रैल 2015 तक एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो था वो 60 दिन का था, लेकिन तब सरकार ने इसे बढ़ाकर 120 दिन कर दिया था। इसके पीछे तर्क उस समय ये दिया गया कि इससे दलाल जो है हतोत्साहित होंगे यानी डिमोटिवेटेड होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज देना हो। हालांकि विपक्ष का दावा था कि रेलवे ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ऐसा किया। इससे रेलवे को अतिरिक्त 60 दिनों के लिए ब्याज के साथ साथ कैंसिलेशन पर भी ज्यादा कमाई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए नियम से परेशानी भी होने वाली। अभी तक लोगों के पास 120 दिन पहले टिकट बुक करने का मौका था, इससे समय रहते टिकट बुक हो जाता था और वेटिंग टिकट के लिए भी कंफर्मेशन होने का जो पर्याप्त समय मिलता था। लेकिन 60 दिन समय सीमा जो कर दिया गया है उससे अचानक बुकिंग के लिए भीड़ जो है वो बढ़ जाएगी यानी भीड़ टूटेगी। वेटिंग टिकट के लिए भी कंफर्म होने की जो चांसेस हैं वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले 120 दिन का समय मिलता था, अब 60 दिन रहेगा कंफर्म होने के लिए, तो कम हो गया समय। पूर्वांचल और बिहार के रूटों पर 4 महीने पहले ही रिजर्वेशन फुल हो जाता है। हालांकि टिकट बुकिंग आसान बनाने और सबको टिकट मिल सके इसके लिए रेलवे की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। रेलवे की तरफ से अवैध तरीके से टिकट बुक करने वालों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जाता है। रेलवे का फोकस सुविधाओं को और आसान बनाने का, शायद इसीलिए ये कदम उठाया गया। अब हमने आपको रेलवे से जुड़ा ये जो बड़ा कदम है, बड़ा जो नियम में बदलाव हुआ है, उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।